أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب التوحيد इमाम महमद बब्दुलवाहाबर की अदीम अदीमान तालीफ है जिसमें उन्होंने वो आयात और अहदीस जमा कर दी हैं जिनका ताल्लुक़ तोहीद से है या शर की मजम्मत से है या इन दोनों के इर्द गिर्द मौजुआत से जिनका ताल्लुक है और इस किताब को उन्होंने कई अबवाब में तकसीम किया है आज जो बाब हम पढ़ने जा रहे हैं वो चौथा बाब है बाब दुआ इला शहादती इला इल्ला ये बाब किस बारे में है कि दावत देना लोगों को बुलाना लोगों को तरगीब देना किस चीज़ की इला शहादती इस चीज़ की कि लोग शहादत दें इकरार कर लें इतराफ़ कर लें किस चीज़ का इकरार कर लें इतराफ़ कर लें अल्लाह इला इस बात का इतराफ कर लें इस बात की शहादत दें इस बात की गवाही दें इस बात का ऐलान करें कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं अल्लाह के अलावा कोई नहीं जो किसी भी इबादत के लायक हो जो किसी भी इबादत का हकदार हो तो फिर इस बाब का मफहूम क्या हुआ कि आपने दावत देनी है लोगों को आपने लोगों से मुतालबा करना है आपने लोगों को तरगीब देनी है किस चीज़ की कि वो शहादत दें वो इकरार करें वो इतराफ़ करें वो ऐलान करें किस बात का ला अला का इस बात का ऐलान करें, करें इस बात का इतराफ करें इस बात का इकरार करें इस बात को एलानिया तौर पे बयान करें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं सिर्फ अल्लाह है जो हर इबादत के लायक है अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है जो किसी भी इबादत के लायक हो आप कहेंगे इस बाब का क्या ताल्लुक है गुज्ता अबाब से तो इससे पहला बाब क्या था बाब नंबर तीन अलखफ मिनशिर की कि शिरक से डरते रहना चाहिए शर्क आपके पास बहुत बड़ी दौलत है शर्क आपके पास बहुत बड़ा ख़ज़ाना है मदद के साथ तोहीद आपके पास बहुत बड़ी नेमत है तोहीद आपके पास बहुत बड़ा सरमाया है तोहीद आपके पास बहुत बड़ा ख़जाना है और इस खजाने को इस सरमाए को इस नेमत को ख़तरा कैसे है शर्क से तो इसलिए शिरक़ से आप डरते रहें शिरक के बारे में मालूम लेते लेते रहें शिरक आपकी तोहैद का चोर है शिरक आपकी तोहैद का डाकू है तो मालूम लेते रहें कि ये कैसे डाका डालता है कैसे किस किस जगह पे ये डाका डालता है कहाँ कहाँ से इसे ख़तरा है तो तहीब को बचाएं शिरक से और उससे पहला बाब क्या था दूसरा बाब था कि बाब मुल का तोहद अदा ख़ल जन्नत हिसाब कि तोहद की ये फ़दीलत है तोहीद का ये फ़ायदा है कि जिसने तोहद का हक अदा कर दिया तोहीद के केज़ों को मुकम्मल तौर पर पूरा किया वो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा तो ये क्या हुई तोहद की फ़दीलत और उससे पहला बाप भी यही था पहला बाप कि बाब बापू तोहीदी तोहीद की फ़ीलत तो गोया के इमाम साहब उन्होंने पहले आपको तोहीद की फ़ीलत बताई फिर तोहीद की सबसे बड़ी फजीलत बताई कि अगर आप तोहीद का हक अदा कर देंगे बग़ैर हिसाब किताब की जन्त में जाएंगे फिर आपको बताया कि तोहीद आपके पास बहुत बड़ा ख़ज़ाना और सरमाया और नेमत है इसको शर्क से बचाएँ शर्क से महफूद रखने के बारे में फ़िक्रमंद रहें इसकी टेंशन लें और अब वो आपसे तकादा कर रहे हैं कि ये नेमत जो आपके पास आ चुकी है ये सिर्फ आपके पास ना रहे दूसरों तक भी पहुंचे, ये नेमत पहुँचे ये खैर दूसरों तक भी पहुंचाएं ये खैर आप तक महदूद नहीं रहनी चाहिए ये काफी नहीं है कि आपने तोहद को हासिल कर लिया ये काफ़ी नहीं है कि आपने अपने आप को शिरक से बचा लिया ये काफ़ी नहीं है कि आपने, आपने शिर के बारे में मलूमत ले ली और ये काफ़ी नहीं है कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि यह अल्लाह मुझे शिरक से बचाना इसके साथ साथ ये भी है कि आप दूसरों तक इसकी दूसरों तक इसकी आप तशहर करें दूसरों तक आप इसकी तर दूसरों को आप इसकी तरगीब दें दूसरों तक आप ये नेमत पहुंचाने की कोशिश करें दूसरों को आप इस नेमत की तरफ मायल करें यह भी आपकी ज़िम्मेदारी है तो बाब दुआ इला शहादत अल्लाह अला बाब क्या है दुआ दावत देना पुकारना तरगीब देना किस चीज़ की इस चीज़ की कि लोग शहादत दें लोग गवाही दें किस बात की गवाही दें तोहद की इस बात की ला कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है कि तोहीद को मान लें और शिर्क का इनकार करें उसके बाद इमाम साहब सबसे पहले क्या लिख रहे हैं आयत लिख रहे हैं तो आप बाब के बाद पढ़ सकते हैं बाब दुआई तो दुआई क्या हो जाएगा मुदाफ इले। और फिर आप आगे पढ़ेंगे वक़लिला कौली लाम के नीचे जेर कसरा और ये भी मुमकन है कि आप पढ़ें बाप और फिर कहीं आप अदुआ इला शहादत अल्लाह तो ये बाब है अल्लाह के फरमान के बारे में भी कि कुल हादही सबीली अदाऊल्ला अला बसरतिन अना वमन ममन तब अनी व सुबह अल्ला सोरा यूसुफ़ ऐत नंबर एक सौ आठ वन जीरो ऐट कुल आप कह दें अल्लाह रबुल्ज़त किस किससे मुखातब हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम से मुखातब हैं कि कुल आप कह दें किससे कह दें सबसे कह दें तमाम लोगों को बता दें क्या बता दें क्या कह दें कि हाथ ही सबीली यहीं है मेरा रास्ता यहीं है मेरा तरीका क्या है आपका तरीक़ा क्या है आपका रास्ता अदाउल्ला मेरा तरीक़ा ये है मेरा रास्ता ये है मेरा मिशन ये है कि मैं अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ अल्लाह की तरफ़ बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ़ लोगों को आने की तरगीब देता हूँ तो नबी सलाम का ये रास्ता था ये आपका मिशन था ये वो अजीम काम था जिसके लिए आपको भेजा गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानी हकीम में भी कहा है कि वलखद फी कुल्ली उमत रसूला अन्य अब तबाह हमने हर कौम एक रसूल को भेजा है या अल्लाह तूने क्यों भेजा है क्या मिशन सौंपा था क्या जिम्मेदारी दी थी हर रसूल को फरमाए जिम्मेदारी दी थी को लोगों से कहें कि अल्लाह की इबादत करो गैर अल्लाह की इबादत से बच जाओ उससे दूर रहो तो यहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दें अल्लाह के नबी अली अलीस्म लोगों से कि यह है मेरा रास्ता क्या है मेरा रास्ता कि अदील मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ ये नहीं कहा कि मैं दावत देता हूँ ये भी बताया गया दावत किस तरह कि, की तरफ देता हूँ किस की तरफ बुलाता हूँ तो फरमाया फरमायाद्ला मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ उलमाए कम ने लोगों से मुतालबा किया है कि वो इन अलफाज पर गौर करें यहाँ से पता चला कि दावत में अखलास है ज़रूरी है बहुत से लोग दावत देते हैं तबलीग का काम कर रहे हैं लेकिन वो अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते वो अपनी ज़ात की तरफ बुला रहे होते हैं कि मुझे बड़ा मान लो मुंह से नहीं कहते लेकिन दावत का तरीका दावत के दावत में उनकी गुफ्तु उसका ख़ुलासा ये निकलता है कि मुझे बड़ा मान लो मेरे मस, वो अपने मसलक की तरफ बुलाते हैं मेरे मसल को मान लो वो अपनी जमात की तरफ बुलाते हैं मेरी जमात को मान लो मेरी तंजीम को मान लो जबकि यहां पे कहा गया अद उल्ला दावत देनी है किसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अल् अल्लाह की तोहीद की तरफ और दावत अल्लाह की तरफ है गैरुल्ला की तरफ नहीं अदाला मेरा ये रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता हूँ और इससे बेहतर दावत किसकी हो सकती है अल्लाह ने कहा है सूरह फुसरत में जिसको हामिम सईदा भी कहते हैं आयत नंबर तैंतीस में थर्टी थ्री में कि वमन अहसनु क़लम मिमांदा इल्लाह, उससे बेहतर कौन होगा क़ला गुफ्तगू करने के लिहाज से किससे बेहतर मि मंदा इला जो अल्लाह की तरफ़ दावत दे जो अल्लाह की तरफ़ बुलाए वक़ालामुसलम और ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ अल्लाह की तरफ़ बुलाए और नेक माल बजा लाए और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ तो इससे पता चला कि अल्लाह की तरफ बुलाना तोहद की दावत देना कितना अजीम काम है ये नबी अली आलाम का काम है और जो लोग आज ये काम कर रहे हैं उन्हें मुबारक हो कि वो नबी अली इसत वाम वाला काम कर रहे हैं नबियों वाला काम कर रहे हैं, हैंसरातलम कोई अपने बाप के मिशन को संभाले हुए है बाप कारोबार कर रहा था वो भी कारोबार करता है अच्छी बात है जिसके हलाल कमाएं कोई मना नहीं है कोई टीचर है तो उसका बेटा भी टीचर बन रहा है बाप की तरह कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बन रहा है किसकी तरह बाप की तरह तो हर एक ने किसी ना किसी को अपना आइडियल बना रखा है और कहता है कि मैं उसके नक्शे कदम पर चलूंगा जो काम उसने किया मैं वो करूंगा तोहीद की दावत देने वाले तुझे मुबारक हो कि तू नबी अलीस्म के नक्शे कदम पे चल रहा है तो उल्हाद ही सबीदी आप कह देंगे यही मेरा रास्ता है कि मैं दावत देता हूं अल्लाह की तरफ अला बसी बसीरत पे बसीरत किसको कहते हैं एक होती है बसारत एक होती है बसीरत बसारत आंखों से देखना बसीरत दिल के जरिए किसी चीज को जान लेना समझ लेना तो बसारत आंखों से देखने का नाम है बसीरत इलम का नाम है तो नबी सलाम से यह कहा गया है कि आप लोगों को बता दें कि मेरे रास्ते पे चलना है तो मेरा तो रास्ता यह है कि मैं अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ लेकिन जहालत की बुनियाद पे नहीं जाहिल नहीं हूँ ऐसा नहीं है कि मैं ख़ुद मेरे पास इलम ना हो अल्लाह की वही का अल्लाह की आयात का और लोगों को दावत देनी शुरू कर दूँ नहीं अला बसीरत ने इलम की बुनियाद पर पूरी बसीरत पर मैं दावत दे रहा हूँ मुझे पता है मैं किस चीज़ की दावत दे रहा हूँ उसके दलाइल का इलम है वो पता है कि किस चीज़ की दावत नहीं देनी और किस चीज़ की दावत देनी आला बसीर बसीरत की बुनियाद पर आना मैं ये काम करता हूँ कि अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ बसीरत की बुनियाद पर वो अमानी तबानी और जिस जिसने मेरी पैरवी की है जिस जिसने मेरा कलमा पड़ा है जो जो मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है जो मेरी इत कर रहा है वो भी यही काम करता है इससे पता चला कि जिसने भी नबी अली अलीस्म का कलमा पढ़ लिया आपको अपना नबी मान लिया आपको अपना इमाम पेशवा और मुक्तदा मान लिया उसको चाहिए कि वही काम करे जो उसके नबी ने किया वो भी लोगों को दावत दे तो की दावत दे लोगों को शिरक से मना करे लोगों को शिरक से रोके लेकिन उसके लिए क्या करे आला बसीरा पहले उसका इलम ले तोहद का इलम उसे पता होना चाहिए कौन कौन सी उमूर शिरक है और किन किन अकवाल या आमाल की वजह से इंसान तोहीद की नियम से मालूम हो जाता है तो इलम की बुनियाद पर तोहीद की दावत देना इलम की बुनियाद पर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना ये नबी अलीस्म का तरीका है और उनका भी यही तरीका है जो आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं आपकी तबाह करने वाले हैं इससे पता चला कि आपकी तबाह करने वाला आपसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला वही काम करेगा जो आपने किया तोहिद की दावत देगा व सुबहान अल्लाह और अल्लाह पाक है मैं अल्लाह को मैं ऐलान करता हूं कि अल्लाह हर ऐब से हर कमजोरी से पाक है अल्लाह पाक है इस बात से सुबहान अल्लाह अल्लाह पाक है इस बात से कि उसका कोई शरीक हो अल्लाह पाक इस बात से कि इबादत में उसके साथ किसी को शरीक किया जाए अल्लाह पाक है इस बात से कि उसकी कोई औलाद हो अल्लाह पाक इस बात से कि उसकी वाइफ हो बीवी हो अल्लाह पाक इस बात से कि उसे ऊँग आए उसे नींद आए वमा अनिलमशरक और मैं नहीं हूँ मुशरकिन में से इनके तोहद पर बंद रहना भी ज़रूरी और मशरकिन से ला तल्लक भी ज़रूरी मशर्क का हिस्सा नहीं बनना मशरकिन से मोहब्बतें कैम नहीं करनी दिली दोस्तियाँ उनके साथ कैम नहीं करनी तो वमा अनमिल मशरकिन मैं मशरकिन में से नहीं हूँ तो ये आयत बड़ी अज़ीम आयत है और इसका ताल्लुक बाप के साथ वादे है बाप था कि लोगों को दावत देनी चाहिए किस बात की कि वो इकरार कर लें कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद भरक नहीं और इस ऐत में ये कहा गया है नबी अलीस्म से कि आप लोगों को बता दें मेरा तो यही रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ़ दावत देता हूँ तो अल्लाह की तरफ़ दावत देने का मतलब क्या है कि अल्लाह को रब माना जाए कि वह अकेला रब है और अल्लाह को मबूद बरहक माना जाए अल्लाह को बारे में ये भी माना जाए कि अल्लाह है और ये भी माना जाए कि वहीं रब है पूरी कायनात का निज़ाम वो चला रहा है और ये भी माना जाए कि इबादत के लायक वहीं है को और इबादत के लायक नहीं है उसके बाद इमाम मोहम्मद ममतलवा अब राही हदीस लेकर आए हैं बड़ी अधीम हदीस है उसके राबी कौन है जिनाबी अब्दुल्ल अबिन अब्बास अली नबीम के चचा के बेटे हाशमी ख़ानदान से तलक रखने वाले आल बैत के अजीम फ़रजंद और इन्हें नबीम ने दुआ दी थी आपकी दुआ से बहुत बड़े कुरान के मुफसर बने बहुत बड़े आलम दीन बने अनिबिन अब्बास रदगी रवैत है अब्बास के बेटे से नाम क्या अब्बास के बेटे का अब्दुल्ल अब्दुल्लबिन अब्बास रदगीम से रवैत है कि अन्ना रसूल सल्ल मुआदन मआल यमन के बेशक रसूल अलैहि वसल्लम ने लम्मा जब बाथा भेजा मआलन मुआद को यमनी यमन की तरफ तो काल लहू आपने कहा लहू उन से किन से मुआद से कौन से मुआे जी ये मवाद बिन जबल रज़ी अल्लाह तहु वही मदद बिन जबल जिनसे नबी अलीसम ने एक बार कहा था जैसा कि नसाई शरीफ की हदीस है सही हदीस है कि ए मुआद मुझे तुमसे मोहब्बत है ए मुआद मुझे तुमसे मोहब्बत है फिर कहा था कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो ये अल्फाज कहा करो कौन सी दुआ कौन सी अल्फाज कौन सा वजीफ़ा अल्लाह अइन्नी अला दिक्री व शुक्रिका व वसन इबाद या रब्बी अइन्नी अला आला व शुक्रिका व शक्री का के ऐ मेरे रब मेरी मदद कर ताकि मैं तेरा जिक्र करता रहूँ मेरी मदद कर ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूँ मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी बेहतरीन किस्म की इबादत करता रहूँ तो इससे पता चला अल्लाह का जिक्र करने के लिए हम अल्लाह की मदद के मोहताज हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की मदद के मोहताज हैं बेहतरीन इबादत करने के लिए अल्लाह की मदद के मोहताज हैं तो पता चला कोशिश भी कीजिए और अल्लाह से इस काम के लिए दुआ भी मांगिए और मैंने फिलहाल यह हदीस आपके सामने क्यों बयान की है जिनाब यह मुआद बिन जबल की फजीलत बयान करने के लिए उनकी शान वादे करने के लिए कि ये वो अजीम मुआद बिन जबल हैं जिनसे अल्लाह के रसुल ने कहा था एज मुझे तुमसे मोहब्बत है तो इस हदीस में यह है कि जब आपने मुआद बिन जबल को भेजा यमन की तरफ कब का यह वाक्य है ये वदा से पहले का वाक़ है आपके हज से पहले का वाक़ है और आप और मैं जानते हैं कि हज के बाद आप तीन महीने ज़िंदा रहे हैं तो हज से पहले आपने बिन जबल को यमन में भेजा है गवर्नर बनाकर जज बनाकर दाई बनाकर तो ये सन दस इजरी का वाक़ हुआ और हाई से पहले भेजा है ये हमें मालूम होता है बुखारी शिव की एक और हदीस से जिसका नंबर है चार हजार तीन सौ सन्तालीस फोर थ्री फोर सेवन तो रसूल सल्लाम ने जब भेजा माद को यमन की तरफ तो कहा लहू तो उनसे कहा इन नती क़ो ममिन किताब फल यकन अलमात शहादत अला इन न का तू बेषक आप रहे हैं एक ऐसी कौम के पास मिनाहल किताब ही जो अहल किताब में से है यानी कि जिनके पास आप जा रहे हैं वो लोग कौन हैं अहल किताब में से अहल किताब किन को कहा जाता है यहूदियों और ईसाइयों को अहलुल किताब किताब वाले कौन सी किताब वाले मुराद इसे लिया जाता है तलातो इंजील वाले यानि कि वो लोग जिनको अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताबें मिली थी तलातो इंजील मिली थी तो इस अहल किताब से मुराद किसको लिया जाता है यहूदियों और ईसाइयों को तो तुम जा रहे हो अहल किताब की एक कौम के पास यहाँ से क्या पता चला यहाँ से ये यह पता चला कि जो किसी कौम को दावत देने के लिए जाए बेहतर यह है कि उसको पता हो जिनके पास मैं जा रहा हूँ ये कौन लोग हैं इनके अकायद क्या हैं इनकी नज़रियात क्या हैं यानी कि आप ने जिनको मुखातब करना है जिनके सामने दर्स देना है जिनके सामने तकरीर करनी है बेहतर यह है कि आपको उनके हालात का पता हो ताकि उनके मुताबक आप गुफ्तु कर सकें आपको पता हो इनकी बड़ी बीमारी क्या है इनका बड़ा जुल्म क्या है तो उस जुलम से बचाने की आप उनको कोशिश करें उसके बारे में आप उनकी इलाह करें और फिर आपको पता हो कि वो पढ़े लिखे लोग हैं कैसे लोग हैं उनके मुताबिक आप गुफ्तु कर सकें तो इन नकत अल किताब बेशक तू जा रहा एक ऐसी कौम के पास जो अहल किताब में से है फल यकुन पास चाहिए कि हो अव्लमत दो मिले शहादत अल्लाह इला शहादत अल्ला इनके गवाही शहादत गवाही देना शहादत देना इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद भराक नहीं ये चीज़ हो अमात दो मिले ही ये पहली वो चीज़ हो जिसकी आप उनको दावत देंगे तो नबी अली सात ने मवाद में जबल को जब यमन भेजा है ज़िम्मेदार बनाकर, कर गवर्नर बना जज बनाकर, तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले किसकी दावत देनी है तोहीद की उनसे मुतालबा करना है कि वह शहादत दें कि ला अलावा कोई मबूदे बरहक नहीं आपने ये नहीं कहा कि आपने जाते ही लोगों के लिए सड़कें बनानी हैं उनके लिए मोटर वे तैयार करनी है नहीं पहला काम क्या है उनकी आखरत बेहतर बनानी है पहला काम क्या है कि उन्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करनी है किसकी दावत दे के तोहीद की दावत दे के शर्क से मना करके तो इससे पता चला कि जो बड़ा हुक्मरान है जब अपने मतहत को कहीं भेजे तो उसे क्या नसीहत करे उसको ये नसीहत करनी चाहिए कि आपने तोहीद के लिए काम करना है आपने लोगों को शर्क से बचाने की कोशिश करनी है जबकि आजकल ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि जब हम किसी को हुक्मरान बनाकर भेजते हैं तो क्या कहते हैं इन मौजूद पर गुफ्तु नहीं करनी क्यों इख्लाफा पैदा हो जाएंगे लोग नाराज हो जाएंगे मसाइल पैदा होंगे जबकि नबी अलीसम कह रहे हैं कि इन मसाइल पर गुफगू करनी है आप ये नहीं कह रहे कि यहूदी और ईसाई हैं इसलिए आपने सिर्फ़ उन मौजुआत पर गुफगू करनी है जो वो भी मानते हैं जो हमारे उनके दरमियान मुशरक हैं मिसाल के तौर पर ईसा आलाम के फ़ायल पर तकरीरें करनी हैं मिसाल के तौर पर मूसी आल इस्लाम के फ़ायल पर तकरीरें करनी है आपने ये नहीं कहा मूसा आल्लाम का एहतराम तो हम करते ही करते हैं अलहदुल्ला ईसा आल से हमें मोहब्बत है जो किसी एक भी नबी का एहतराम ना करे या उस पर ईमान ना लाए उसका ईमान मशकूक है तो दावत का आगा किस से तो से दावत का आगा किससे शिरक से मना करने से दावत का आगाज है और पता चला यह है हुक्मरान की पहली जिम्मेदारी लोगों के अकैद की असलाह करना उन्हें शिरक से बचाना वफ़ी रिवातीन और एक रिवायत में अः वाहिदुल्ल इनके काल्लुक़ किस किससे कैम करेंगे आप इनके एक रवैत में शहादत वाला के अल्फाज नहीं है इसकी जगह पर क्या इला वाद् इनके आपने उनको दावत देनी है इस बात की तरफ अय वाहीदुल्ला कि वो अल्लाह को एक मान लें इनकी इबादत के मामले में अल्ला को एक मान लें रबूबियत के मामले में अल्ला को एक मान लें या कि मान लें कि अल्लाह के लवा कोई इबादत के लायक नहीं मान लें कि पूरी कानात का निज़ाम चलाने वाला सारी कानात का खाल को मालिक एक अल्लाह है अब यहाँ पे तोहीद का तस्करा तो आ गया नबी अलीस्त की रिसालत का तस्करा नहीं आया आपकी नबूद का तस्करा नहीं आया तो गुजारश यह है कि दीगर रवायात में आपकी रसालत का तस्करा आया है मिसाल के तौर पे आप देखें हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ पचानवे बुखारी शिव की वन थ्री नाइन फाइव तो वहाँ पे आया कि वह अन्य रसूल्ला तो यहाँ पे क्यों नहीं आया ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप शूरा कुल्लाहद पढ़ा करें मैं आपसे कहूँ कि आप कुल्लाहद पढ़ा करें तो इसका क्या मतलब है सिर्फ़ एक ऐद पड़ा करें नहीं इसका मतलब यह है कि वह सूरत पड़ा करें जिसका आगाज़ कुल्लाहद से होता है या जैसे आपसे कहा जाए कि आप रब्बिल आलमीन पढ़ा करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ एक आयत पढ़ा करें इसका मतलब ये है कि वो सूरत पढ़ा करें जो रब्बिल आलमीन के नाम से मशहूर मशहूरमारूफ़ है तो यहाँ पे भी ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करें इनके ला इलाहा महम्दरसल्ला पूरा कलमा पढ़ना है और फिर बुखारी की दिगर रवायात में वादे आ चुका है जैसा कि अभी मैंने रवायत आपको बताई है तो इसका मतलब ये है कि पहला मुतालबा और पहली दावत ये है कि वो लोग ला मोहम्मद रसूल की शहादत दें तोहीद रसालत का इकरार कर लें ये मान लें कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं और ये मान लें कि जनाबी मोहम्मद सल्ला वाला के रसूलें फिन हम अकाउ कलिदालिका बस अगर वो अताउ अतात करें का आपकी लिदाली का इस काम के लिए किस काम के लिए तोहीद का इकरार करना तोहीद की शहादत देना इस मामले में अगर वो आपकी इतात करें आपके फर्मा बर्दार बन जाएं आपकी बात मान लें फ हूँ तो आप उनको बताएं क्या बताएं कि बताएँ किसलवाफ़ी लियोमिनला कि बेशक अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हैं इफ़ार दफ़र्द की हैं अलैहिम उन पे खम्स पर हमसलवातिन पाँच नमाजें फ़ीकुल्योम वलिला हर दिन और रात में इनके चौबीस घंटों में चौबीस घंटों में अल्लाह ने उन पर पाँच नमाजें फ़र्ज़ की हैं इससे पता चला कि तोहहीद नसारत के बाद मुसलमान होने वाले से जिस चीज़ का सबसे पहले मुतालबा किया जाएगा वो क्या है नमाज है नमाज़ की यहमीत है नमाज मुसलमानों और काफ़रों के दरमियान फ़र्क है नमाज के ज़रिए पता चलता है कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है इसलिए इस, इस अज़ीम इबादत को वो अहमियत देनी चाहिए जो इसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल आलम ने अहमियत दी है तिरुमरी शेफ की सही रवायत है कि सहाबा के नाम किसी भी फ़र्ज के तारक को किसी भी वाजब के तारक को काफ़र नहीं शुमार करते थे सवाए नमाज के तारक के कि नमाज के तारक को वो काफ़र ख़्याल किया करते थे इसलिए नमाज का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए और नमाजें कितनी फ़र्ज़ हैं पाँच इससे पता चला कि वितर की नमाज फ़र्ज नहीं है वाजब नहीं है एक तो ये बात में रहे कि फर्द और वाजब इन दो अल्फाज में कोई फर्क नहीं है हमारे कई हनफी के नाम फर्क करते हैं फर्द और वाजब में सही बात यह है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है तो नमाजें पांच ही फर्द हैं नमाजें पांच ही वाजब हैं छठी कोई नमाज नहीं है यानी कि फर्द नमाज छठी कोई नहीं है वरना तो कई नमाजें हैं वितर की नमाज है बिल्कुल है लेकिन क्या वो फर्द और वाजब है नहीं फर्द और वाजब नहीं है कहाँ से पता चला इसी अदी से पता चला कि ये नबी अली अलीस् बयान कर रहे हैं फौत होने से चंद महीने पहले और उसमें आप पांच नमाजें कह रहे हैं छह नहीं कह रहे तो पता चला कि वितर की नमाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखने के बावजूद फ़र्ज नहीं है वाजब नहीं है और इसकी मजीद तइद जनाब अली रज़ी अल्लाह तु के इन अल्फाज से होती है कहते हैं कि अलवितली सभी हतमिन नमाज वितर फ़र्ज नहीं है वाजब नहीं है कौन कह रहे हैं जिनाब अली कहई अतिमकूबा कहते हैं कि वितर की नमाज फ़र्ज नमाज की तरह वाजब नहीं है लाकन्न हो बल्कि ये नमाज़ सुन्नत है सन्हा सल्लल्लाहु सलम किस किसकी सुन्नत है नबी सल्ह वसलम की नसाई शरीफ हदीस का नंबर है एक हज़ार छः सौ सतत्तर वन सिक्स सेवन सेवन और तिरमदी शरीफ हदीस का नंबर है चार सौ चौवन फोर फाइव फोर अच्छा क्या नमाज फितर और नमाज ईद अधा वो भी फ़र्द और वाजब नहीं है कई लोग ये अकीदा रखते हैं कि वो फ़र्द और वाजब नहीं है दलील के तौर पर इसी हदीस को पेश करेंगे कि अल्लाह के रसूल ने तो कहा था पाँच नमाजें फ़र्द हैं अगर हमने ईद की नमाज़ को फ़र्द मान लिया तो फिर तो छः माननी पड़ेंगी जबकि सही बात ये है कि नमाज ईद पढ़ना फ़र्द है वाजब है और उस कौल में कि वो फ़र्द और वाजब है और इस हदीस में आपस में कोई टकराव नहीं है यहाँ बात हो रही है उन नमाज़ों की जो 24 घंटों में रोज़ाना पढ़ी जाती हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन लोगों को बता दें जो तो को अपना लें नसारत को अपना लें कलमा पढ़ लें उनको बता दें कि अल्लाह ने उन पर पाँच नमाज़ें फर्ज हैं हर हर दिन और रात में और नमाजें ईद हर दिन और रात में नहीं ये तो सालाना नमाज है फ़ा हम अकाउ का लिदालिका बस अगर वो आपकी बात मान लें आपकी ताद कर लें लिदा लिखा ले का इस काम में किस काम में पाँच नमाजों को फ़र्ज़ मान लें तो अगर इस मामले में वो आपकी इतात कर लें हम तो आप उनको बताएँ अनल्ला के बे शिकल्ला नेम फ़र्ज़ की है उन परद जक़़त तो उखाद जो ली जाएगी मिन अगनिया इहम उनके मालदारों से अगनिया नी की जमा है नीनी एक मालदार अगनिया मालदारों से फ़तरद्दू तो उसे लुटा दिया जाएगा अलाफ़रा इहम उनके फ़कीरों पे एक तो यहाँ पे सदक़ा से मुराद क्या है ज़कात सदक़ा का लफ्त कभी ज़कात के ऊपर बोला जाता है और कभी उस खैरात के ऊपर जो फ़र्ज़ नहीं होती जो ज़क़़त नहीं होती नफली तौर पर आप अपनी ख़ुशी से देते हैं अल्लाह की राह में लेकिन यहाँ पर इससे मुराद ज़क़़़़़त है क्योंकि कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ क्या होती है वो ज़क़़त होती है तो आप उनको बता दें कि अल्लाह ने उन पर सदका फ़र्ज़ किया है ज़क़़त फ़र्ज़ किया है जो ली जाएगी उनके मालदारों से इसका बच इस बचला कि ज़क़त कैसे ली जाएगी मालदारों से गरीब लोगों से नहीं और ये दीन इस्लाम की खूबी है आज हुकूमतें जब टैक्स नाफज करती हैं तो किससे लेती हैं अमीरों से भी गरीबों से भी गरीबों से मिसाल के तौर पर आप मोबाइल खरीदें सस्ते से सस्ता तो उसमें भी टैक्स होगा मामूली सी मामूली चीज़ें खरीदें उन पर भी टैक्स होगा ये तो उसमें ख्याल नहीं रखा जा रहा कि अमीर है कि गरीब है लेकिन ज़कवात किन से ली जाएगी अमीरों से दी जाएगी किन को फ़कीरों को तो लुटाई जाएगी तकसीम कर दी जाएगी अल्लाफ कलाइम उनके फ़कीरों पर इससे ये भी पता चला कि ज़कवात मुसलमानों को दी जाएगी गैर मुसलमों को नहीं दी जाएगी क्योंकि अल्फाज क्या है नबी आल स्तम के कि ज़क़़त ली जाएगी इनके मालदारों से किन के मालदारों से जिनको कलमा पीछे पढ़ाया जा चुका है जो पाँच वक़्त की नमाजें पढ़ती हैं जो पाँच वक़्त की नमाजों को फर्ज मान चुके हैं इकरार कर चुके हैं कि वाकई पाँच नमाजें फर्ज हैं तो इनसे इनके मालदारों से ली जाएगी और इन्हीं के फ़कीरों पर लुटा दी जाएगी इसका मतलब यह कि काफलों को ज़क़ात नहीं दी जाएगी हाँ उस गैर मुस्लिम को उस काफिर को ज़क़ात दी जा सकती है जिसके मुसलमान होने की उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको उम्मीद है कि इसके ऊपर ज़क़़त का माल खर्च किया जाए ज़क़़त के माल से तोहे तहफ़ इसको दिए जाएँ तो ये मुसलमान हो सकता है या मुसलमान हुआ है नया नया तो अब इसके ऊपर ज़कवा़त ख़र्च करें ताकि इस्लाम पे पक्का हो जाए इसको तोहफ़ दें और दीगर इसके मसाइल हल करें ताकि ये इस्लाम पर पुख्ता हो जाए पक्का हो जाए इस्लाम की मुआबत के दिलों में दाखिल हो जाए या ज़क़़त आप उस गैर मुस्लिम पे भी ख़र्च कर सकते हैं जिसके ऊपर ज़कवा़त ख़र्च करेंगे तो वो मुसलमानों के काम आएगा मुसलमानों पर जो तकलीफ़ें हैं मुसीबतें हैं उनको दूर करने में अपना किरदार अदा करेगा अच्छा यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि ज़क़़त के, के मसारफ़ तो आठ हैं शोरे तौबा इन मसदातलफ़लाईलमसाक़ी वलिन आलियाफ़ी क़लूबूम कि ज़वा़त इनको दें इनको दें इनको दें आठ यहाँ पे सिर्फ़ एक का तस्करा आया तो ये आठ में से उसका तस्करा किया गया है जिनको आम तौर पे ज़कात दी जाती है आम तौर पे किनको दी जाती है फ़कीरों को दी जाती है और जो बाकी लोग हैं उनको भी ज़कात देना चाहदा लेकिन आम तौर पर इनको दी जाती है फ़ैन हम अलिदा बस अगर वह आपकी इताद करें इस चीज़ में फ़ई यानी कि ज़क़ात के मामले में फ़ी या का व करा इमालम तो तू बच नबी नबीम किससे कह रहे हैं अपने गवर्नर मिन जबर रदील से तो तू बच उनके उमदा अमवाल से कराइम करीमत उनकी जमा है क्या माना कराइम का नफ़ीस माल कीमती माल उमदा माल यानी कि ज़क़़़़़त देने के लिए वो तैयार हो गए ज़कात को उन्होंने फ़र्ज़ और वाजब मान लिया अब आप ज़कात लेने के लिए गए हैं तो ये काम ना करें कि मिसाल के तौर पर उनके सौ जानवर हैं सौ ऊँट हैं तो आप सौ ऊंटों में से ज़कात लेने लगे हैं तो सब अच्छे अच्छे और कीमती ऊँट आप ले लें ज़क़ात में नहीं ये म है ये काम नहीं करना कौन से जानवर लें आप दरमियानी ना बहुत बिम, ना बीमार और बहुत कमज़ोर और ना वो जो सबसे अच्छे हों दरमियाने जानवर आप जकात में वसूल करें फ़ियाँ का बच के रहना है दूर रहना है किससे लोगों के कीमती मवाल से उमदा मवाल से नबी अली सात आपने गवर्नर को हिदायत हिदायात दे रहे हैं सबक हासिल करें वो लोग जिनके पास सरकारी उहदे हैं सरकारी जिम्मेदारियां हैं या किसी भी ऐसे पे मनसब पे फायदे जहां उनका पब्लिक से वासा पड़ता है तो लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए वकी वतल मज़लूम और तू बच आप अपने गुंदर मुआद मुआमे जबल से कह रहे तू बच वतल मजलूम मजलूम की बदुआ से मजलूम की बदुआ से बचें फाइन न हो क्योंकि बात यह है कि लईसा बई नहा वही हिजाबन नहीं होता हिजाब उन कोई पर्दा कोई रुकावट बई नहा मजलूम की बदुआ के दरमियान व बेन अल्लाह और अल्लाह के दरमियान दावत का आगाज तो रिसाल से उसके बाद नमाज उसके बाद जक़ात उसके बाद जुल्म नहीं करना तो जो गवर्नर हैं हुमरान हैं या सरकारी ऑफिसर्स या हैं आपके पास कोई ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को फायदा दे सकते हैं नुकसान पहुँचा सकते हैं तो आप किसी पर जुल्म करने से बचें मजलूम की बदवा से बचें ए खामद अपनी बीवी पे जुल्म करके उसकी बदवा से बच जा वालिद अपनी औलाद पर जुल्म करके उनकी बदवा से बच एक बच्चे को देना दूसरे को ना देना जिसको तू तो नहीं दे रहा उस पर झुल्म कर रहा उसकी बदवा से बच जा बेटों को देना बेटियों को महरूम कर देना झुल्म कर रहा है उनकी बदवा से बच जा टीचर ताल, किसी तालब इम पर झुलम ना करना उनकी बदवा से बच अपने रिश्तेदारों किसी रिश्तेदार पर म करके उनकी बदवा ना लें बदवा से बचें किसी पड़ोसी पर म करके उसकी बदवा ना लें बदवा से बचें व तवतमूम मजरूम की बदवा से बच क्योंकि हकीकत ये है फ़ैन नहू क्योंकि हकीकत ये है कि नहीं होता कोई हिजाब की पर्दा उसकी बदवा के दरमियान और अल्लाह के दरमियान अच्छा यहाँ पर आप सवाल करेंगे अब कि नबी अलीसम ने यहाँ पर तस्करा कर दिया तो हिजोरसालत का नंबर दो नमाज़ का नंबर तीन ज़क़़्त का अब इस्लाम के पाँच स्तून हैं पाँच अरकान हैं पाँच पिलर हैं दो रह गए कौन कौन से रोदे रह गए रमज़ान के और हज रह गया उनका तस्करा क्यों नहीं किया अब आप ये तो नहीं कह सकते कि उस वक़्त तक हज फ़र्ज नहीं हुआ था या रोदे फ़र्ज नहीं हुए थे क्योंकि ये नबी अलीस्म की ज़िंदगी के आखिरी साल की बातें हो रही हैं तो नाम ने कहा है कि नबी अलीस्म ने यकीन पाँचों का तस्करा किया होगा लेकिन रावी ने आपकी सारी नसीहत का जिक्र नहीं किया यहाँ पर जो आपने जनाब मज जबल को नसीहत की थी वसीयत की थी उसकी चंद अहम बातें जिक्र कर दी हैं और बाकी बातें यहाँ पर जिक्र नहीं की, और दूसरे नंबर पर यह कहा गया है कि नबी ने मुमकन है कि यही तीन चीज़ें जिक्र की हों और इस मौका पर आपने रोदों का हज का तस्करा ना किया हो क्यों क्योंकि इन तीन चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है कुरान में भी आप यही अंदाज़ देखेंगे मिसाल के तौर पर सूर तोबा फ़ाताबू अगर वो लोग तौबा कर लें किस से कुफर शर्क से इनके तोहद इख्तियार कर लें वक़ाम और नमाज कैम करें वाह तब अबुलसक़ा ज़क़ात अदा करें तो तीन चीज़ों का तस्करा आया है तो ही दो रसालत का इनके ईमान और फिर नमाज का और ज़क़़त का तो इन आयात में भी तस्करा नहीं आया किन का रोज़ों का और हज का तो कुरान में वैसे हज का तस्कर मौजूद है कुरान ने हज को फ़र्ज़ करार दिया है रोज़ों का तस्कर मौजूद है क़ुरान ने रोज़ों को फ़र्ज करार दिया है लेकिन जो बार बार तस्करा आता है वो किसका आता है वो नमाज का और ज़कात का आता है तो इस अदीज का हमारे बाप से के साथ क्या ताल्लुक है हमारा बाप क्या था लोगों को दावत देनी चाहिए इस बात की कि वो इल्लल्लाह इसका बाकायदा इकरार करें इसका बाकायदा ऐलान कर दें जिनको हो सकता है उनके दिल में हो कि तोहीद ठीक है ला इल्ला ठीक है लेकिन वो मुँह से अदा ना करते हों आपने उनसे कहना है कि इसको माने भी और मुँह से अदा भी करें ऐलान भी करें इकरार भी करें इतराफ़ भी करें और यहाँ पर हदीस में भी यहीं आया है कि सबसे पहले मददिन जबल से कहा जा रहा है कि आपने लोगों को दावत देनी इस बात की कि वह शहादत दें कि अल्लाह अला के अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहक नहीं तो इससे ये पता चला कि तोहैद की दावत देना ये मिशन है नबी अली सात का और ये मिशन है सहाब क़राम का उसके बाद वाल हम यानी उससे पहले कहा है इमाम साहब ने अखरा जा अखराजा ये दो के लिए होता है एक होता है अखराजा वाहिद के लिए यहाँ अखराजा के बाद अलीफ भी आ गया अखराजा कि उन दोनों ने रवायत किया है हु इस अदीस को किन दोनों ने इनके इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने और बिल बिल्कु बिल्कुल ऐसा ही है बुखारी से मे नंबर ये, ये अदीस आपको मिल जाएगी और नंबर होगा एक हज़ार तीन सौ पचानवे वन थ्री नाइन फाइव और एक और जगह पर भी मिल जाएगी वन फोर नाइन सिक्स एक हज़ार चार सौ छियानवे तीसरे मकाम पर भी मिल जाएगी चार दा तीन सौ सन्तालीस फोर थ्री फोर सेवन और मसल शरीब में मिलेगी और इसका नंबर वहाँ पे होगा उन्नीस उसके बाद कहते हैं वलाुमा और इन्हीं की एक रवायत और है इन्हीं की एक हदीस और है किन की बुखारी और मसलरिम की और वह किससे मरवी है हन साहलबिन इसद वो मरवी है एक और साहबीश है जिनका नाम है साहल बिनसादाइदी रजियल तन हो अन् रसोल्ला सल्ला वसलम ख़ाल यौ म खैबर कि बेशक रसूल सल्हुस वसलम ला। सल ने कहा यौ म खैबर खैबर वाले दिन खैबर वाला दिन गज़वा खैबर जंग खैबर यहूदियों से लड़ी गई और चूँकि खैबर शहर में लड़ी गई खैबर शहर का आपने मुहासरा किया था इसलिए से ग़बा खैबर कहते हैं जंग खैबर कहते हैं ये कब हुआ किस साल ये सात हिजरी में पिछली जो हदीस थी उसका तल्लक था दसवें साल से हिजरत के दसवें साल से और इसका तल्लक है हिजरत के सातवें साल से तो आपने कहा था उस लड़ाई में खैबर में कई किले थे बाद मुसलमानों ने फतह कर लिए और बाज को फतह करने में मुश्किल पेश आ रही थी तो एक क़िला जिसे फतह करने में मुश्किल पेश आ रही थी उसके बारे में कहा नबी अलीस्म ने लाओतियन्ना अलबत्ता मैं लाजमी तौर पर दूंगा ये लाओतियन्ना असल में तीन अल्फ हैं लाम ओतिया और नून नून का मतलब होता है यकीनन लाजमी तौर पर ज़रूरी तौर पर इनके ताक़द के लिए कोई भी उर्दू में लफत आप अदा कर लें और जो लाम शुरू में आया वो भी ताक़द के लिए तो अलबत्ता मैं लाजमी तौर पर दूँगा अर्राय झंडा परचम कौन सा झंडा यानी कि वो झंडा जो कायद के हाथ में होता है जो फौज के सिपा सलार के हाथ में होता है और उस झंडे से पता चलता है फौजियों को मुजाहिदों को कि हमने हमारा सर, हमारे सरबरा ये हैं और इस वक्त यहाँ पे मौजूद है हम उनके दाएं बाएं रहें उनके करीब करीब रहें तो लोकन रा अलबत् मैं लाजमी तौर पर दूंगा राय झंडा गदन कल राजूलन एक ऐसे आदमी को युब व रसूला जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा व रसूलू और उसके रसूल से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा व युब्बल्ला और उससे अल्लाह मोहब्बत करते होंगे व रसूलू और रसूलहू और उससे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते होंगे अला आलायदी अल्लाह तला फतह देंगे अला दही उसके हाथों पर बड़ी अधीम अदीस है इसमें पता चला एक तो ये कि जिस आदमी को झंडा मिलने वाला ये इतना अजीम आदमी है कि ये अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह अल्लाह के रसूल इससे मोहब्बत करते होंगे इससे एक तो पता चला कि अल्लाह की सिफात में से एक शिफ्ट यह कि अल्लाह तला मुहब्बत करता है कई लोगों से और हम अल्लाह के फदो कलम से अल्लाह की दीगर सिफात कितना इस शिफ्ट पे भी ईमान लाते हैं और हम समझते हैं अल्लाह हकीक़ी है ईमानों में मोहब्बत करते हैं कोई तावील नहीं लेकिन कई लोग तावील करेंगे वो कहते हैं नहीं मोहब्बत तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह करे हम कहते हैं अभी क़ुरान में बार बार आया अदीस में आया कहते हैं जी उसकी तावील की जा सकती क्या तावील करेंगे कि अल्लाह मोहब्बत करता है मुराद ये है कि अल्लाह जिनके बारे में कहता है कि मुझे उनसे मोहब्बत है उनको अल्लाह इनाम देता है उनके साथ अल्लाह तला खैर खाई का इरादा फरमाता है तो ये तावीलात हैं और ये गलत सलूक है अल्लाह के कलाम के साथ और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के साथ हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह मोहब्बत करता है और यकीनन जैसे अल्लाह मोहब्बत करे अल्लाह उसको इनाम से भी नवाजता है अल्लाह उसको इज़्ज़त भी देता है अल्लाह उसके साथ खैर का इरादा भी फरमाता है और इसे पता चला कि कोई अजीम आदमी है जिनको झंडा मिलने वाला है और उनसे अल्लाह अल्लाह के रसूल को मोहब्बत है और अल्लाह अल्लाह के रसूल को मोहब्बत क्यों है क्योंकि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं यफ्त ही तो अल्लाह हाथों पे फतः देंगे अब दो खुशखबरियां मिल रही हैं एक फतेह मिलने वाली है दूसरे तो नंबर पर जिस आदमी के हाथों फतेह मिलने वाली है वो अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है अल्लाह अल्लाह के रसुल को उससे मोहब्बत है फवातनास तो लोगों ने रात गुजारी यदु न ली ले अपनी रात में गौर व खोज करते रहे सोचो बचार करते रहे किस मसले में कि अय्यू हम उन हा उनमें से किस को दिया जाएगा ये झंडा योता हा हा से मुलाद क्या है ये झंडा इससे पता चला कि साहबाई के नाम कितने अदीम लोग थे नबी अलीस्म से मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे और चाहते थे कि झंडा हमें मिले ताकि हमारा शुमार उनमें से हो जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है अल्लाह के सूल भी मोहब्बत करते हैं तो सहाब के नाम की तोज्जो अब इस तरफ नहीं है कि फतेह कल मिलने वाली है तोज्जो इस तरफ है कि किसको झंडा मिलता है क्योंकि झंडा मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई सोने के ए, सोने की अशरफियाँ उसको मिल जाएंगी नहीं ये एजाज़ मिल जाएगा जो तो बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस आदमी से अल्लाह को मोहब्बत है अल्लाह के रसूल को मोहब्बत है तो गोया कि सब अल्लाह की मोहब्बत के तालब हैं फलम असबाहू बस जब उन्होंने सुबह की गदला रसूल अल्ला वम तो वो अल्लाह के रसूल सलाम के पास आए कुल्लुम यर्जु उनमें से हर एक ये उम्मीद रखता था कि हा कि उसको ये झंडा दिया जाएगा साहब के नाम पहुंच गए हैं और हर एक को उम्मीद है कि ये झंडा मुझे मिलेगा इसका मतलब यह है कि उनमें से हर एक अल्लाह से मोहब्बत करता था हर एक नबी अली से मोहब्बत करता था इसीलिए उम्मीद थी कि झंडा मुझे मिलेगा यह आजाद मुझे मिलेगा कि अल्लाह को भी मुझसे मोहब्बत है अल्लाह किसम को भी मुझसे मोहब्बत है फो आपने कहा अली तालिब। है अली बिन अबू तालिब नबी अली सातम जब मदीना से खैबर की लड़ाई के लिए निकले थे तो जनाब अली सात नहीं निकले थे रजी अल्लाह तु क्यों बीमार थे आँखों में मसला था लेकिन जब नबी अली और सहाबे के नाम चले गए जनाब अली पीछे मदीना में रह गए बर्दाश्त नहीं हुआ क्या बर्दाश्त नहीं हुआ ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो इस अजीम अमल से पीछे रहें जिहाद से पीछे रहें इसलिए मदीना से निकले बीमारी की हालत में और खैबर पहुंच गए लेकिन आंखों में मसला है दर्द है तकलीफ है इसलिए नबी अली अलीसम किस मजलस में हाजिर नहीं है तो आपने पूछा कहाँ है अली बिन बिनबी तालब जबकि सब सहाबा कराम आपके दाएं बाएं जमा हैं हर कोई अपना चेहरा ऊपर उठाता है ताकि अल्लाह के सुल की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मुझे ये एसाज मिल जाए फकीला तो आपसे कहा गया हुआ यश तकी आई नहीं वो अपनी आंखों की शिकायत कर रहे हैं मुराद ये है कि उनकी आंखों में बीमारी है उनकी आंखों में दर्द है उनकी आंखों में तकलीफ है फ अर सिलू इही तो आपने हुक्म दिया कि अरसिलू तुम पैगाम भेजो इ रही उसे किस को जनाब अली को जनाब अली को पैगाम भेजो वो आई फ उत ही चुनाचे उनको लाया गया फबासा काफ़ी आई नहीं ही आपने लुआब डाला उनकी दोनों आँखों में वा लहू और आपके लिए दुआ की फबारा आ तो वो ठीक हो गए शिफा याब हो गए कहाकुम भी व जाऊन गोया को उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी कोई बीमारी नहीं थी नबी अलीमाम का लुआब बाबरकत आपके मुंह से निकलने वाली हर चीज़ बबरकत आपके आपके बाल बाबरकत सहाबा कलाम इसी लिए आपके बालों को महफूज करते थे आपने जब हाथ के मौका पे बाल मंडवाए साहबा में तक़सीम किए सबा कल ने बड़ी मोहब्बत से लिए आपका पसीना बाबरकत सहबा कल आपके पसीने को जमा करके रखते थे खुशबू में डाला करते थे आपका लुआब बरकत, लेकिन सहाब के नाम ने यह एजाद किसी और को नहीं बख्शा तो जिनका लुआब बरकत है वो सिर्फ़ नबी अली अलीलातलाम हैं तो नबी अली आलम ही वो शख्सियत हैं जिनका लुआब बरकत, जिनके बाल बरकत, जिनका पसीना बा बाबरकत तो ये आपके साथ ख़ास रहेगा किसी और सहाबी का ये एजाज़ नहीं है किसी और शख्सियत का ये एजाज़ नहीं है नबी अली अलीस्ातम के बाद कि उनके बालों को या उनके पसीने को या उनके लुआब को व बरकत जाना जाए तो जनाब अली को शफ़ा मिल गई इससे पता चला कि नबी अली अलीस्त वाक़ अल्लाह के नबी थे जिनके लुआब में ये बरकत थी कि आपका लुआब उनकी आंखों में डाला गया तो उनको शफा मिल गई आपने दुआ की तो उनको शफा मिल गई फ आका तो आपने उनको झंडा दे दिया किन को जनाब अली को लदी अल्लाह तु फला तो कहा किसने जनाब कहा नबी अली सात ने किससे से जनाब अली से उन फुद चलो आला रिस का ठहर ठहर कर आराम आराम से चलो हत्या यहाँ तक कि तंजिला तुम उतरो तम उनके सेहन में यानी कि यहूदियों की तरफ आगे बढ़ें उनके किले की तरफ आगे बढ़ें आराम आराम से जल्दी से काम नहीं लेना हती कि आप उनके सेहन में इनके उनके किले के करीब आप पड़ाव डालें वहाँ पे उतर जाएं सामान उतार लें सुदिल ले इस्लाम फिर आप उनको दावत दें इस्लाम की इनके इस्लाम कबूल कर लो ये है बाप से ताल्लुक लेकिन यहाँ पे तो यह आया कि इस्लाम की दावत दें यह तो नहीं आया तोहीद की दावत दें अभी पता चलेगा कि यहाँ पे इस्लाम से मुराद तो है यहाँ इस्लाम से उमराद तो रिसालत है शहादतें के करार है सुमदम फिर आप उनको दावत दें इस्लामी किस चीज़ की इस्लाम की तो इसे पता चला कि लड़ाई से पहले मुसलमान जिनसे जिहाद करें लड़ाई से पहले उनको दावत दें तबलीग करें चाहे उसी मौका पे या इससे पहले किसी मौका पे उन तक पैगाम पहुँचाया जा चुका हो तो इस पैगाम पहुँचना चाहिए उन तक तोहदरसाल ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है तो सुबह मदम फिर आप उनको दावत दें इस्लामी इस्लाम की वाखबिर हम और आप उनको बताएँ बीमा उस चीज़ के बारे में याजिब आरिम जो उन पर वाजब है यानी कि इस्लाम की दावत दें और उनको बताएँ कि क्या क्या उन पर वाजब है और उनको बताएँ उस चीज़ के बारे में जो उन पर वाजब है मिनहक़िल्ल तल्ला तला में से फी ही इस में किस में इस्लाम में यानी कि आपने उनको इस्लाम की दावत देनी है और फिर इस्लाम के हकूक बताने हैं अच्छा इस्लाम के हकूक क्या हैं जिन जिन चीजों को इस्लाम वाजब कहता है और जिन जिन चीज़ों से इस्लाम मना करता है ये इस्लाम के हकूक हैं आप गोया कि उनको कहेंगे नमाज कैम कहें करो ये इस्लाम का हक है जकवात दो यह इस्लाम का हक है हज़ करें ज़िंदगी में एक बार अगर साहब इस है तो ये इस्लाम का हक़ है रमज़ान क्यों दे रखें इस्लाम का हक है इस्लाम का हक है कि आप कबीरा गुनाहों से दूर रहें हराम चीज़ों से दूर रहें तो ये क्या हुए इस्लाम के हकूक़ तो फिर इस्लाम से मुराद क्या था फिर इसका मतलब यह है कि इस्लाम से मुराद था तोहीद इस्लाम से मुराद था इस बात की शादत देना कि अल्लाह के अलावा कोई ममूदे बरहक नहीं और इस बात की शादत देना कि जनाबे मोहम्मद सल्ला वाला के रसूल हैं फवल ही बस अल्लाह की कसम कसम खा रहे हैं कौन नबी अली सात हालाँ के हर मुसलमान को यकीन है कि अल्लाह के रसूल जो भी कहते हैं वो हक और सच होता है इसके लिए कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लगता ये है कि बात जो आप करने लगे हैं वो इतनी यकीनी है इतनी यकीनी है कि आपने उस पर कसम उठा दी है ताकि लोगों का ईमान मजीद बढ़ जाए यकीन मजीद बढ़ जाए तो आप कहने फवल्ला पस पसल्ला की कसम लई यह दिया अलबत्ता अलबत्ता ये कि अल्लाह हिदायत दे दे बिका तुम्हारे दरिए रजुलवाद एक आदमी को खैरल का ये तुम्हारे लिए बेहतर है मिनरामी सुरख ऊंटों से हुर सुर्ख अन्नाम ऊंट बड़ी अजीम बात की है नबी अली अलीस्त ने कि एक आदमी का हिदायत पा जाना तोहेद पर आ जाना मुसलमान बन जाना ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है सुर्ख ऊंट उस जमाने में अरबों के यहाँ सबसे कीमती माल जैसे आज आप कीमती से कीमती आला से अला गाड़ी का नाम ले लें तो गोया कि आप कह रहे हैं कि आला से आला गाड़ी से बेहतर यह है कि एक आदमी तुम्हारे हाथों मुसलमान हो जाए हिदायत पर आ जाए हिदायत से मुराद यहां पे कौन सी हिदायत है हिदायत तोफीक एक है हिदायत इरशाद, रहनुमाई कर देना एक यह है कि किसी का बाकायदा मुसलमान हो जाना कलमा पढ़ लेना तो हिदायत से मुराद हिदायत तोफीक एक है रहनुमाई कर देना कि आप लोगों को बताएं ये इस्लाम है ये इस्लाम की खूबियाँ हैं ये इस्लाम में चीज़ें वाजब हैं ये हराम है यह है हिदायत इर्शाद गाइड कर देना और एक है किसी का वो आपकी दावत को कबूल कर लेना आपकी रहनुमाई को कबूल कर लेना अपना लेना उसको क्या कहते हैं हिदायत तौफीक तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली से कि आप रहनुमाई करें हिदायत दें और फिर अगर आपकी हिदायत को कबूल कर ले एक आदमी भी एक आदमी मुसलमान हो जाए सुरखोंटों से बेहतर है तो मैं और आप सोचें क्या कभी कोई मेरे और आपके ज़रिए मुसलमान हुआ क्या मेरे और आपके ज़रिए किसी ने हदाय तोह को अपनाया मेरे और आपके ज़रिए किसी ने कुफर शिरक से तोबा की तो दावत दीजिए दावत देना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इसके लिए इलम लीजिए इसके लिए कुरान हदीस सीखिए और, और दावत दीजिए अगर मेरे और आपके जरिए एक आदमी भी मुसलमान हो गया तो इन शाह हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा तो हिदायत से मुलाद क्या है हिदायती तोफ़ी और सुर्ख ऊंटों का तस्कर आया क्योंकि सुरख ऊंट अरबों के यहाँ बहुत कीमती खजाना हुआ करते थे यदू आखिर में आया है मेरी किताब में है यदू यानी कि हदीस में जो लफ्ज़ आया यदू उसका मना बताया जा रहा है क्या मनादूना इनके गौरव ख़ौज करते रहे साहब क़राम पूरी रात सोचते रहे तो ये बड़ी अजीम अदीस है इसके इसका बाब से तलक वादे है जैसा कि पहले बता चुका हूँ इस अदीस से एक और चीज़ पता चल ये, ये मालूम हुई कि इंसान का काम है कोशिश करना मेहनत करना जनाब अली की तकदीर में लिखा हुआ था कि फ़तेह इनके हाथ से मिलेगी झंडा इनको मिलेगा लेकिन उन्होंने मेहनत भी की है बीमारी की हालत में मदीना से निकले हैं खैबर में पहुँचे हैं और फिर जब अल्लाह के नबी ने कहा उनको लाया जाए तो आए हैं तो फिर उनको ये एजाज़ मिला है लेकिन दूसरी तरफ दीगर साहब कलाम ख्वाहिश करते रहे आर्जू करते रहे तमन्ना करते करते रहे लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई क्योंकि उनकी तकदीर में नहीं लिखा हुआ था लेकिन जो उन्होंने कोशिश की इस पर उनको जो षवाब मिलेगा नेक ख़्वाहिश का इजहार किया दुआएं की होंगी इस पर उनको जरूर शवाब मिलेगा तो मेरा और आपका काम है कोशिश करना मेहनत करना और ये बहाना नहीं करना चाहिए कि मेरी तकदीर में नहीं लिखा हुआ था कि मैं नमाज पढ़ूँ आपका काम था मेहनत करना आप उठते आप कोशिश करते तो जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसके लिए मामला को आसान कर देता है तो बहरहाल तरगीब ये मिली हमें आज के बाप से कि हम में से हर एक को चाहिए कि दूसरों को दावत दे किसकी तोहीद की तोहद की शिर को तरकर देने की ला ला को अपना लेने की और बायदा इसका इतराफ़ इकरार ज़ुबान के ज़रिए करे दिल में इस चीज़ का होना काफ़ी नहीं है ए, इन इस आयत और इन आदि से क्या मसाइल मालूम होते हैं ये इन शा दरस में ज़िक्र किए जाएँगे अल्लाह इज़्ज़त हमें सही मानों में तोहीद को पनाने की तौफीक नियात फरमाए कुफर व शिर्क से महफूज रखे और तोहद की दावत को आम करने की भी तौफीक नियात फरमाए व अला मुहम्मद आलिही व वसाबी अजमाइम